see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hello everyone, a very warm welcome on behalf of Educasia. और आज का जो लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेनली मौर्य डिनेस्टी के ऊपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है हमारे हिस्ट्री में. मौर्य डिनेस्टी मेनली हमारा जो मगध एम्पायर में बिलोंग करता है. मगध हम लोगों ने ये पढ़ा भी होगा पहले कि गंगा के किनारे जो एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक किंगडम हुआ था, जिसका नाम हम लोग मगध एम्पायर कहते हैं. वहीं पे मगध एम्पायर का ही एक पार्ट है मौर्य डिनेस्टी, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए आगे शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया है. यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि मौर्य डिनेस्टी किस तरीके से राइज हुआ, मौर्य डिनेस्टी हमारे हिस्ट्री में किस तरीके से उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ किस तरीके से हुआ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं. 327 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि मैसेडोनिया के राजा थे, और ऐसा कहा जाता था कि अलेक्जेंडर जो थे वो विश्व के सबसे पावरफुल राजा थे. और मैसेडोनिया के जो ये राजा थे अलेक्जेंडर, वो 327 BCE में हमारे इंडिया में आए थे इन्वेड करने. ठीक है, कैसे आए थे? रिवर वैली ऑफ काबुल के थ्रू से वो लोग आए थे. तो उनका जो नेक्स्ट टास्क था, उनको उन्होंने टक्सिला को कॉन्कर किया था, डिफीटिंग द इंडियन किंग पोरस. तो तब हमारे जो एक बहुत ही पावरफुल इंडियन किंग थे जिनका नाम पोरस था, तो उनको मेनली हरा के उन्होंने टक्सिला जय की. मेनली ये जो लड़ाई पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था, ये जो लड़ाई हुआ था ये मेनली रिवर हिदिस पैसिफिक के पास हुआ था. ठीक है, तो अलेक्जेंडर का एक दिली चाहत थी. अलेक्जेंडर ये मानते थे कि वो पूरी इंडिया को कब्जे में कर लेंगे, लेकिन लास्टली वो ऐसा नहीं कर पाए. तो उनका मेनली ये चाह था कि वो और भी ज़्यादा तरीके से मगध में घुस जाएंगे और मगध को सबसे पहले कैप्चर करेंगे. लेकिन उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो सेना थे, वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो लोग मगध में एंट्री नहीं करेंगे. ठीक है, वो मगध के लिए मार्च नहीं करेंगे. तो इसीलिए अलेक्जेंडर को साउथ इंडिया में जाना पड़ा. ठीक है, तो अलेक्जेंडर एक बहुत ही एक्सेप्शनल वॉरियर किंग थे. मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि वो एक एक्सेप्शनल किंग थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे. लेकिन उन्होंने कभी भी पूरी इंडिया को तरीके से कब्जा नहीं कर पाए. ठीक है, तो अलेक्जेंडर मेनली, उनका देहांत हुआ 323 BCE में, लेकिन उनके देहांत के पहले उन्होंने अपनी जो सेना थी इंडिया के ऊपर, जितने भी सेना थे उनको सारे सेना को उन्होंने रीडिप्लॉय कर दिया. अब थोड़ा जानते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में. तो ये चंद्रगुप्ता मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्ता मौर्य थे मौर्यन डिनेस्टी के फाउंडर. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डिनेस्टी. तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि चंद्रगुप्ता मौर्य थे जो कि मौर्यन डिनेस्टी के फाउंडर थे. ठीक, तो ये चंद्रगुप्ता मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्ता मौर्य एक बहुत ही साधारण एक नौजवान थे जो कि तक्सिला में रहते थे, और उन्होंने ये मैसेडोनियन आर्मी को अपनी आंखों से देखा था. तो जब इन्होंने ये मैसेडोनियन आर्मी को देखा था, तभी उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो भी अपना सेना बनाएंगे और सेना बना के वो अपना एक राज्य बनाएंगे. तो इसीलिए 321 BCE में उन्होंने मगध का जो थ्रोन था वो सीज किया, और फिर शुरुआत हुआ मौर्यन एम्पायर का. चंद्रगुप्ता स्टूडेंट थे एक बहुत ही नोन ब्राह्मण टीचर के, जो नाम था कौतिल्य. चंद्रगुप्ता ने पहली बार पंजाब को इन्वेट किया. कैसे इन्वेट किया? क्योंकि पंजाब को अपने कैपिटल से इन्वेट किया. ठीक है, तो उन्होंने पहले तक्सिला को इन्वेट कॉन्कर किया. तो तक्सिला को जब उन्होंने कॉन्कर किया, तो पूरा पंजाब, आप सोच सकते हो कि पूरा पंजाब उनके हथेली में आ गया. तो मेनली कुछ देर बाद ये कहा जाता है कि उनका जो मेन राज्य था वो मेनली इंदस और गंगा वैली के ऊपर था. ठीक है, कौतल्य जो थे वो चंद्रगुप्ता मौर्य के एडवाइजर थे,
जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट अर्थशास्त्र, तो आंसर होगा कौतल्य। और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मेनली एक गाइड है टू द स्टेट क्राफ्ट, मतलब किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो राज्य था वो किस तरीके से वो संभाल रहे थे, किस तरीके से अपना हर एक चीज, अपना हर एक राज्य को, अपना हर एक सेना को संभाल रहे थे, किस तरीके से अपना जो राज्य था वो बढ़ा रहे थे, वो सारी ये जो चीज़ें हैं वो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रीक विजिटर भी आए थे जिनका नाम था मेगास्थेनिस, और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज डिस्क्रिप्शन किया जो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो था वो, मतलब आप समझ सकते हो कि कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के दिन से नहीं, वो आज से हजारों साल पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो मेगास्थेनिस ने क्या किया, इस वाले जो कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही स्ट्रेंज सा, एक बहुत ही वियर्ड सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने पेश किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानने वाले हैं कि चंद्रगुप्ता ने अपना जो फेथ था, अपना जो धर्म था, उन्होंने धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने वो एक राजा की तरह जिए, लेकिन एक्चुअली उनकी डेथ एक बहुत ही साधारण सी एसेटिक के ऊपर हुआ, एसेटिक के रूप में हुआ। ठीक है, उन्होंने, मतलब उनकी जो मृत्यु थी वो नॉर्मल मृत्यु नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा देर तक फास्ट कर रहे थे, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम लोग चंद्रगुप्ता मौर्य के सक्सेसर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता मौर्य के जो सक्सेसर थे वो कोई और नहीं था बल्कि वो अपने खुद के बेटे थे जिनका नाम था बिंदुसार मौर्य। तो बिंदुसार मौर्य जो थे वो चंद्रगुप्ता मौर्य के बेटे थे। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपना जो किंगडम था वो त्याग दिया, तब बिंदुसार ने वहाँ से मौर्य डिनेस्टी जो थी, मौर्य एम्पायर जो था वो आगे बढ़ाया। तो बिंदुसार, ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार का जो कॉन्टैक्ट था वो मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड से भी था, यानी कि उनका जो ताल्लुकात था वो मेनली सेल्यूकस के साथ भी था। ठीक है, ही वॉज नोन एज द अमृतगथा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, बिंदुसार मौर्य को अमृतगथा भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है डिस्ट्रॉयड ऑफ एनिमीज। तो उनका जो रेन था वो ज़्यादा देर तक नहीं था, उनका जो राज था वो ज़्यादा देर तक नहीं था, लेकिन वो 272 तक राज करते रहे। अब हम लोग थोड़ा अशोका के बारे में जानते हैं। अशोका मौर्य जो थे वो मौर्य डिनेस्टी के जो तीन राजाएं थे, जो चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसार मौर्य, इन तीनों में से अशोका को बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्करर, एक इम्पॉर्टेंट राजा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद, कलिंगा वॉर में जितनी भी ब्लडशेड उन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा, उनको उसको देखते हुए उन्होंने अपना जो वॉर था, वॉर करने का जो जज्बा था उनके अंदर, वो पूरी तरीके से दब गया था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, और उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने का फैसला किया। ठीक है, तो ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश धम्मा, दैट इज़ द लॉ ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने धम्मा को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। धम्मा का मतलब है लॉ ऑफ जस्टिस। अशोका वो सिंसियर व्हेन ही प्रोक्लेम्ड हिज बिलीव इन अहिंसा। तो वो धम्मा को बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस और कोऑपरेशन बिटवीन रिलीजियंस, मतलब रिलीजियंस के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन वो लोग बिलीव करते थे। ठीक है, तो ही इरेक्टेड मेनी स्तूपास, बहुत सारे स्तूपा उन्होंने इरेक्ट किया। फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी उन्होंने इंडिया में फाउंड किया। सॉफ्टन द हार्श लॉज ऑफ बिंदुसार एंड चंद्रगुप्ता, तो चंद्रगुप्ता और बिंदुसार के दिए गए कुछ ऐसे लॉ थे, कुछ ऐसे रेगुलेशंस थे जिन्होंने उन्होंने मतलब हल्का कर दिया। फॉरबिड द ब्रूटल स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, तो स्लॉटर ऑफ एनिमल्स मतलब ये जो बलि दिया दे रहे होते थे, मतलब किसी भी कोई भी पूजा में किसी भी तरीके का एनिमल्स को बलि देते हैं हम लोग, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से
दबा दिया था. ही ऑर्गेनाइज्ड अ लार्ज बुद्धिस्ट काउंसिल पटना. ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बुद्धिस्ट काउंसिल पटना में एक ऑर्गेनाइज किया था. तो विच हैड टू एस्टैब्लिश अ न्यू कैनन ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट एंड रिप्रेस हियर्सीज. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ के हम लोग थोड़ा देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर में इकोनॉमिक, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेटस था वो किस तरीके का था. देखिए, यहाँ से आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लॉन्ग आंसर आ सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने टेक्स्ट बुक्स पे या फिर अपने नोटबुक पे लिख सकते हो. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको. तो ट्रेड एंड एंटरप्राइज वर पब्लिक प्राइवेट अफेयर्स. द स्टेट कुड ओन एंड एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू. तो वहाँ पे जो बिजनेस हुआ करता था मौर्यन एम्पायर में, जो बिजनेस का सिनेरियो था वो बोथ प्राइवेटाइज भी था और बोथ पब्लिक रिलेटेड भी था. ठीक है, तो रेवेन्यू, रॉयल जो रेवेन्यू था वो मेनली टैक्सेस से आता था. किंग ओन टिम्बर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, हंटिंग ग्रोव्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड द सरप्लस वॉज सोल्ड ऑफ. तो जो राजा थे तब के जो राजा थे उनका खुद का टिम्बर लैंड था, फॉरेस्ट लैंड था, हंटिंग ग्रोव्स थे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी थे, जिनका जो प्रोडक्ट्स थे, जिनके जो सरप्लस प्रोडक्ट्स थे वो बेच के वहाँ से भी पैसा आता था. द स्टेट हैड मोनोपोली ओवर कॉइनेज, माइनिंग, सॉल्ट प्रोडक्शन, आर्म्स मैन्युफैक्चर एंड बोट बिल्डिंग. मोनोपोली मतलब उस वाले मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं था. अगर मतलब अगर वो राजा का राज वहाँ पे चल रहा था तो वही राजा का, यानी कि राजा से वो सब कुछ वसूलते थे, यानी कि सब कुछ यहाँ पे बिजनेस वाइज होता था. तो राजा के साथ डायरेक्टली मतलब बिजनेस होता था, तो वहाँ पे और कोई भी नहीं था, मोनोपोली के मार्केट था वहाँ पे. तो फार्मर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन था उस वाले ज़माने में भी. हमारे ज़माने में तो ऑब्वियसली है, क्योंकि फार्मर्स के बिना तो हम लोग खा पी नहीं सकते. अगर फार्मर्स ने कुछ भी तरीके से खाना पीना, मतलब कुछ भी तरीके से जो कुछ भी वो लोग फसल उगाते हैं, अगर फसल उगाना बंद कर दिए तो हम लोगों को तो खाना पीना नहीं मिलेगा ना. तो फार्मर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉपुलेशन का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था वो भी टैक्स है. ठीक है, वहाँ से भी टैक्स वसूला जाता था. ट्रेड्स पर्सन वर ऑर्गेनाइज इनटू एसोसिएशन दैट हेल्ड बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी एंड ऑल्सो फंक्शनड एज बैंक्स. तो ये जो बिजनेसमैन थे, ट्रेड्स पीपल मतलब यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे, वो छोटे छोटे एसोसिएशंस में भाग होते थे अपने आप में. लेकिन एक सोचिए कि एक एक एसोसिएशन में जैसे 6-7 लोग थे, बिजनेसमैन रहते थे. तो ये जो बिजनेसमैन थे, ये जो ट्रेड्स पीपल थे, ये काम करते थे बोथ एज एन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशियल अथॉरिटी एज वेल. ठीक है, तो जुडिशियल अथॉरिटी के हिसाब से भी वो लोग काम करते, एक एग्जीक्यूटिव के हिसाब से भी वो लोग काम करते थे, और ये वो खुद अपने आप को एक बैंक के हिसाब से देखते थे, जहाँ पे लोग आके उनसे लेन देन करते थे, पैसों के मामले में लोग आके उनसे लेन देन करते थे. तो गुड्स कुड नॉट बी सोल्ड एट द प्लेस वेयर दे वर प्रोड्यूस, दे हैड टू बी ब्रॉट टू स्पेसिफिक मार्केट्स. तो ऑब्वियसली फैक्ट है कि जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिस फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली उसके आसपास तो मार्केट नहीं होगा ना. तो जहाँ पे मेन मार्केट था, जहाँ पे मेन जो ये जो चीज़ है ये अब तक होता आ रहा है, एक जगह फैक्ट्री होता है और एक जगह मार्केट होता है. प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होके फिर मार्केट में आता है, और यहाँ पे जब मार्केट में आता है, जब प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर्स को बेचते हैं. ठीक है, द टोल्स वर कलेक्टेड फॉर रोड एंड रिवर क्रॉसिंग्स एंड गुड्स सोल्ड विद इन द किंगडम वर टैक्स एंड वर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. तो टोल वगैरह भी उस वाले ज़माने में कलेक्ट किया जाता था, और गुड्स एंड सर्विसेज में भी टैक्स लगाया जाता था, जिस तरीके से हम लोग आज भी टैक्स देते हैं. तो स्टेट फिक्स द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड इंस्पेक्टेड वेट्स एंड मेजर्स. तो जो स्टेट थे वो एक होलसेल प्राइस थमा देते थे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो कि इंस्पेक्ट किया जाता था अपना जो प्रोडक्ट का जो मेन वेट था और मेजर्स था उसके ऊपर. ठीक है, तो जो होलसेल प्राइस था वो मेनली प्रोडक्ट के
वेट और मेजर्स के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। बाटर सिस्टम तो था ही, बाटर सिस्टम मतलब जब पैसों वहां पे उस उन वाले दिनों में पैसों से लेन देन नहीं होता था जिस तरीके से हम लोग आज लेन देन करते हैं। हम लोग अगर किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं तो उस चीज के बदले में हमें पैसा देना पड़ता है, राइट। तो बाटर सिस्टम का मतलब था कि हम एक चीज को खरीदी के दूसरे चीज को देते हुए, ठीक है। जैसे कि मुझे सोचो कि चावल चाहिए, ठीक है, तो चावल के बिना पे अगर वो दूसरा हम मुझसे मैदा मांगता है, ठीक है, तो मुझे मैदे उसको देने पड़ेंगे और वो मुझे चावल देगा। तो इस तरीके के एक्सचेंज होते थे। बार्टर सिस्टम वॉज मेनली एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये बात याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो वहां पे गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स भी यूज किया जाता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम में गोल्ड कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन और कॉपर कॉइन भी यूज किया जाता था। मनी वॉज सेंट ऑन इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट्स। तो हम लोग इस तरीके से, हम आज के जमाने में हम लोग जैसे लोन, अगर हम लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का लोन चाहिए तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बैठता है कि नहीं। बैंक वाले हमारे लोन के अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट बिठाता है जब तक हम उसको रीपे नहीं कर देते। तो तभी के दिनों में भी ऐसे इंटरेस्ट का एक सिस्टम चलता था। अब हम लोग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। उन दिनों में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट था वो किस तरीके का मेंटेन किया जाता था, वही हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। द किंग वॉज ही हेड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो हेड थे वो और कोई नहीं था, राजा खुद थे। जैसे कि हमारे इंडिया के जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो हेड है, ठीक है, जिस तरीके से जो प्रेसिडेंट हेड है, उसी तरीके का हेड भी किंग था, यानी कि उस समय का राजा थे। एंड कंट्रोल द मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो मिलिट्री के जो ऑपरेशंस थे, एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशंस थे, जुडिशरी के जो ऑपरेशंस थे, लेजिस्लेचर के जो ऑपरेशंस थे, ये सारी ऑपरेशंस सब कुछ किंग ही संभालता था, ठीक है। ही टुक एडवाइस फ्रॉम अ काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, द ट्रेजरर, द जनरल एंड द अदर मिनिस्टर्स। तो उन वाले दिनों में भी इस मतलब सारे मिनिस्टर्स भी थे, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स, ट्रेजरर, जनरल, अदर मिनिस्टर्स, कुछ और भी तरीके के मिनिस्टर्स होते थे जिनसे जो हमारे राजा थे वो एडवाइस लेते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, ठीक है, किंगडम को मेनली प्रोविंसेस के हिसाब से भाग किया जाता था जो कि गवर्नर के अंडर में थे। तो प्रोविंसेस को कौन देखभाल करता था? गवर्नर। गवर्नर लोग प्रोविंसेस को देखभाल करते थे। Who were often royal princes. तो governors जो थे वो mainly royal princes हुआ करते थे। तो provinces were further composed of towns and villages under their own district and village administrator. तो ये जो provinces जो थे इसको भी हम लोग और भी अच्छी तरीके से भाग कर सकते हैं, जो कि towns और villages पे भाग किया जाता था provinces को, और जिनका अलग तरीके का administrator भी होता था, ठीक है। There were departments to govern, look after and control almost every aspect of social life, industrial art, manufacturing facilities, general trade and commerce, foreigners, births and deaths, commercial taxes. तो इन सारी चीजों के लिए भी अलग अलग departments हुआ करता था, अलग अलग administrators हुआ करते थे जो कि इन सारी चीजों के ऊपर देखभाल किया करते थे। अब जानते हैं कि उन वाले दिनों में religion का क्या state था। चंद्रगुप्ता who was the founder of the Maurya dynasty was a Hindu. तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्ता जो थे वो एक हिंदू थे। लेटर लाइफ में वो जैन हुए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि वो हिंदू से जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। उनका जो ग्रैंडसन था अशोक, पुट द स्टेट्स एंटायर रिसोर्सेज टू प्रोमोट बुद्धिज्म। तो स्टेट के जितने भी रिसोर्सेज थे अशोका ने वो सब कुछ लगा दिया to promote Buddhism, क्योंकि अशोक जो थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। बट whether he formally converted to the faith remains unclear. तो अभी तक ये जाना नहीं गया कि अशोक जो इतनी अच्छी तरीके से बुद्धिज्म को प्रोमोट करते थे वो काफ़ी देर तक वो कन्वर्ट हुए भी या नहीं हुए, ये थोड़ा अनक्लियर स्टेटमेंट है। The populace by and large belonged to one of these three religions, while other noticeable groups were atheists, agnostics, and other of those were subscribed to primitive faith. तो
यहाँ पे बहुत सारे फेथ्स के लोग एक साथ रहते थे, ठीक है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। अब थोड़ा जानते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मौर्य डिनेस्टी किस तरीके से हुआ। अशोक के देहांत के 50 साल बाद जो मौर्य किंग थे थ्रोन में, उनको अपने ही जनरल इन चीफ पुष्यमित्र ने खून कर दिया था, यानी कि मार डाला था, जिन्होंने बाद में शुंगा डिनेस्टी इन्वेंट किया। स्कॉलर्स गिव सम रीजंस फॉर द एम्पायर्स डाउनफॉल, द मेजर वंस बीइंग इट्स साइज एंड इट्स वीक रूलर्स आफ्टर अशोका। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस थे, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि अशोक के बाद ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो मौर्य डायनेस्टी को आगे बढ़ा सकता था, ठीक है? द एम्पायर स्टार्टेड श्रिंकिंग अंडर अशोका सक्सेसर्स। तो अशोक के जाने के बाद, अशोक के देहांत के बाद, आहिस्ता आहिस्ता जो एम्पायर थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के तादाद में नजर आया था। तो बाय द टाइम पुष्यमित्र सीज द थ्रोन, द माइटी मौर्यन एम्पायर वॉज द फ्रंट ऑफ इट्स ट्राई साइज। तो आहिस्ता आहिस्ता मौर्य एम्पायर का जो साइज था वो बहुत ही, मतलब बहुत ही तेजी से कमता गया, बहुत ही तेजी से रिड्यूस होता गया। और सिर्फ 3 सिटी स्टेट्स थे जो कि पताली-पुत्र थे, अयोध्या थे और विदिशा थे, एंड सब अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब थे। तो इतने 12 राज्य जो कि मौर्य एम्पायर को हम लोगों ने पहले मैप में देखा है, तो इतना बड़ा राज्य से सिर्फ और सिर्फ 3-4 सिटी स्टेट्स ही लास्ट में बचे हुए थे। तो यही है आज का जो लेक्चर है। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। तो आई जस्ट होप कि अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो टिल देन गाइस, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।